यहाँ की जनता उनके लिए उतावली है और जनता स्वयं प्रचार कर रही है उनका, वो आए चाहे ना आए लेकिन नामांकन करना चाहिए। अमेठी में राहुल तो चुनाव लड़ेंगे ही, वो आएंगे 27-28 के बाद जो है। यहाँ की जनता उनको स्वयं मिटाएगी और उनसे कहेगी कि आप पूरे देश में जाइए, यहाँ मत आइए। अमेठी ने अब ठान लिया है कि अमेठी पूरी तरह दीदी स्मृति के साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूँ आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। अमेठी और रायबरेली में 24 के महाभारत की जंग दिलचस्प होती दिखने लगी है। अभी तक दोनों ही सीटें रायबरेली और अमेठी, जो कि गांधी परिवार की परंपरागत सीटें रही हैं, उन पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो इस वक्त हलचल चल रही है, उससे ये तय माना जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी से प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी की अगर हम बात करें तो आगामी 1 मई से 3 मई के बीच राहुल और प्रियंका नामांकन भी अपने क्षेत्र से कर सकते हैं। इस बीच एबीपी लाइव ने रायबरेली की जनता से जब ये सवाल पूछा कि प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरों को आप कैसे देखते हैं, तो उनका जवाब कुछ ऐसा आया। यहाँ की जनता उनके लिए उतावली है और जनता स्वयं प्रचार कर रही है उनका, वो आए चाहे ना आए लेकिन नामांकन करना चाहिए। हमें 100% यह भरोसा है कि राहुल जी और प्रियंका जी रायबरेली और अमेठी से जरूर चुनाव लड़ेंगे। एक तरफा चुनाव होगा रायबरेली और अमेठी में। उनको बहुत प्रचार करने की जरूरत नहीं है और वो यहाँ पर नामांकन करेंगे तो यहाँ की जनता उनको स्वयं जिताएगी और उनसे कहेगी कि आप पूरे देश में जाइए, यहाँ मत आइए। यानी अधिकतर लोगों ने रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार के ही प्रत्याशी को बेहतर बताया। इस पर कांग्रेस नेता विनय द्विवेदी कहते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को रायबरेली और अमेठी से चुनाव अवश्य लड़ना चाहिए और हम लोग पहले से ही ये मानकर चल रहे हैं कि वो लोग चुनाव यहां से लड़ेंगे क्योंकि उनका चुनाव यहां आम जनता लड़ती रही है। इस पर भाजपा नेता शिवेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि हम लोग पहले से ही तैयार हैं, जैसे राहुल गांधी अमेठी से हारे थे वैसे ही प्रियंका गांधी रायबरेली से हारेंगी। यहाँ प्रियंका जी नामांकन चाहे जब दाखिल करें, उनका प्रचार और उनका चुनाव यहाँ चल रहा है रायबरेली में पूरा, क्योंकि प्रियंका जी का चुनाव या गांधी परिवार का चुनाव रायबरेली की कांग्रेस नहीं लड़ती है, यहाँ की जनता लड़ती है। हम लोग अपनी तैयारी बूथ स्तर तक किए हुए हैं और कोई भी प्रत्याशी आएगा उसको जैसे राहुल गांधी का हस्त हुआ वैसे ही हस्त करके रायबरेली से भी इस बार हम लोग भेजेंगे। वही बात अगर हम अमेठी की करें तो जहां के सांसद भी राहुल गांधी रह चुके हैं, वो इस बार वायनाड से चुनावी मैदान में हैं, जहां दूसरे चरण में मतदान है। वहीं अमेठी में 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी जो 3 मई तक चलेगी। ऐसे में एबीपी लाइव को राहुल गांधी के नामांकन की खबर पर अमेठी की जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये राहुल गांधी की परंपरागत सीट है, उन्हें निश्चित रूप से यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं अमेठी की सिटिंग एमपी स्मृति ईरानी को लेकर कहा कि अमेठी के लोग उन्हें दीदी कहते हैं। ऐसे में बहन बेटी को बहुत दिन अपने मायके नहीं रहना चाहिए और अब उनकी विदाई का वक्त आ गया है। अमेठी में राहुल तो चुनाव लड़ेंगे ही, वो आएंगे 27-28 के बाद जो है, तो निश्चित रूप से देश में एक माहौल बनेगा। उनके आने या ना आने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 साल जो है वो ऐसे रह गए, एक आध दो दिन उसमें आए, वो भी जो है यहाँ कहीं उतरे नहीं। ये उनकी परंपरागत सीट रही है, पारिवारिक सीट रही है अमेठी। इस बार उनको पूरा ससम्मान विजयी बनाएगी। अमेठी ने अब ठान लिया है कि अमेठी पूरी तरह दीदी स्मृति के साथ है, अब उनका आना ना आना भाग जाना सब कुछ कुछ मायने नहीं रखता है। वही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और अमेठी से यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह के बयान से भी ये स्पष्ट माना जा रहा है कि राहुल अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि ये शुरू से तय था कि ऐसा कोई बयान नहीं आया था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अमेठी राहुल जी निश्चित लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ यहाँ आएंगे और लोगों के बीच में संवाद करेंगे, नामांकन करेंगे, विशाल रोड शो होगा, परिवार के लोग शामिल होंगे, यहाँ के जो वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि अमेठी की जनता ने 2019 के चुनाव में ही बता दिया था कि राहुल गांधी को उनका विश्वास हासिल नहीं हो पाएगा। ऐसे में अगर वो समझदार हैं तो उनको अमेठी से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। अमेठी की जनता तो 2019 में उनको बता चुकी है कि वो उनका विश्वास हासिल नहीं हो पाएगा अमेठी में। अब अगर वो समझदार हो, सब चीज़ जानते हो, तो यहाँ अमेठी में उनको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए।
बहरहाल जिस तरह से सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा भर सबको चौंका दिया है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, रायबरेली और अमेठी से प्रियंका राहुल के चुनाव लड़ने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा भी या नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम छोटे बड़े और चुनावी अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव पर।